हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोजी हेल्थ एंड आर्ट। आज मैं बहुत ही प्यारी गोपाल जी की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही आसानी से हम घर पे बना सकते हैं। जन्माष्टमी भी बहुत नज़दीक आ गया तो इस साल मार्केट जाने का भी ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बहुत प्यारी बहुत ही सुंदर ड्रेस हम तैयार कर सकते हैं। चलिए देख लेते। मैंने ये नेट लिया है, दो कलर की, देखिए, एक है ग्रीन कलर की और ये है रेड कलर। दोनों नेट मैंने बराबर हिसाब से काट के रखा है। आपके पास अगर छोटे छोटे टुकड़े में भी आप काट सकते तो चलेगा। लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा रखिए और चौड़ाई में एकदम छोटा रखिए इसको। और दोनों का जो चौड़ाई है इसका नाप बराबर लीजिए। देखिए मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। पहले लाल कलर का जो नेट है इसको मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ, बहुत ही ये एकदम सॉफ्ट नेट है तो ठाकुर जी को थोड़ा सा भी गर्माहट महसूस नहीं होगी इस ड्रेस पहनने से। ये मैंने इसको बहुत ही बारीक बारीक फोल्ड कर रही हूँ एकदम हाथों के हेल्प से। अपने अंदाजे से भी आप फोल्ड बना सकते हैं। और दोनों नेट का जो चौड़ाई है हमेशा ये सेम रखना है। आपके ठाकुर जी के हिसाब से आप चौड़ाई रख सकते हैं। मैंने ये 14-14 सेंटीमीटर मैंने रखा है दोनों का चौड़ाई। ये देखिए मैंने एक सुई धागा लिया है, इससे मैं इसको कैसे स्टिच कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा स्टिच, ये डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, बहुत आसानी से घर पे बना सकते। बस थोड़ा थोड़ा एकदम दूरी में इसको फोल्ड कीजिए और इसको स्टिच करते जाइए एक सुई धागा के मदद से। अभी ये रेड कलर का मैंने नेट लगा दिया। फिर मैंने ग्रीन कलर का जो नेट है इसको भी ऐसे ही सेम हाथों के हेल्प से फोल्ड कर रही हूँ। एकदम आसपास में फोल्ड करना है, बहुत ही पास पास फोल्ड करना है। और इसको भी ऐसे धागे से मैंने स्टिच कर रही हूँ। फिर ये दोनों का सेम रखना है। अगर लंबाई में थोड़ा सा स्टिच करने के बाद सारे नेट्स जब स्टिच हो जाएंगे तब अगर कम ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लंबाई काट भी सकते हैं। ये देखिए फिर ऐसे ही मैंने कुछ नेट के पीसेस कट के रखा है रेड और ग्रीन कलर में। इसको पूरा मैंने ऐसे स्टिच किया हुआ है और एक दो बचा है। ये रेड कलर का और एक नेट लिया है मैंने, सेम प्रोसीड्योर है। इसको थोड़ा सा एकदम पास पास बारीक बारीक फोल्ड कीजिए और ऐसे स्टिच करते जाइए। बस इसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं और टाइम भी बहुत ही कम लगेगा। पर ये जो ड्रेस है ये मार्केट से भी बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर है, दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये बहुत दिन तक चलेगा क्योंकि मैं सिलाई लगा रही हूँ सुई धागे से, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये आराम से बहुत दिन तक अपने ठाकुर जी के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। ये देखिए हो गया है ऑलमोस्ट। मैंने ये 4 ग्रीन और 4 रेड कलर का ऐसे लगा लिया, लास्ट में और एक ग्रीन, लास्ट में ये जो ग्रीन है इससे थोड़ा सा मोटा रखूँगी मैंने। ये हो गया मेरा, जितने सारे नेट के पीसेस है मैंने ऐड कर दिया। अभी इसको हम जो धागे है इसको सुई काट लेंगे और धागे सारे धागे को एक नॉट लगा देंगे। अपने ठाकुर जी के हिसाब से आप इसको थोड़ा सा चौड़ा भी रख सकते हो, ये जो राउंड है इसको थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हो ताकि ये आसानी से पहन पाए। ड्रेस जो है पहनने के टाइम पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मेज़रमेंट के हिसाब से ये नॉट लगा सकते हैं, थोड़ा सा आप ढीला लगा सकते और इसको टाइट भी पकड़ सकते हैं। ये देखिए मेरा ये हो गया, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये जैसे हम लहंगा पहनाते ऐसे एक लहंगे का तरह मैंने इसको बनाया। और ये देखिए इसको मैंने अगर कजूँ, ये नीचे का जो अनइवन पोर्शन है जो एक्स्ट्रा है इसको मैं कट करूँगी। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा नहीं, तो ये पेशेंट से प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिए। और इस टाइम पे आप ये वीडियो देख के घर पे बहुत ही आसानी से ये सुंदर ब्यूटीफुल ड्रेस बना सकते हैं। तो इसको मैंने कट किया है जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, क्योंकि नेट में हमेशा थोड़ा सा हम जब स्टिच करते हैं तो एक्स्ट्रा रह जाता है, अनइवन पोर्शन भी रहता है। मैंने अभी एक गोटा लिया है यानी लेस, अभी इसको मैं फिर से सिलाई लगा दूँगी उस सुई धागे के हेल्प से। मैं इसको भी स्टिच करूँगी तो ये बहुत ही मतलब एकदम अब निकलेगा नहीं, बहुत टाइट सा ये बैठेगा। इसको आप जो ग्लू गन है उससे भी चिपका सकते हैं।
तो भी ये निकलने का चांसेस नहीं है। मैं इसको एकदम धागे से स्टिच कर रही हूँ तो ये बहुत दिन तक चलेगा। फिर पूरा नेट को मैंने देखिए ऐसे चिपका दिया, धागे से ऐसे सिलाई लगा दिया, ये टाइट बैठ गया, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। पूरा एजेस जो है ये भी ढक गया, कवर हो गया, ये गोटे के नीचे आ गया, जो एजेस है बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मैंने अभी मेरे पास छोटे छोटे बीड्स लिया है और नेट को ज्वाइन कर रही हूँ एकदम हल्के हाथ से। पूरा इसको स्टिच नहीं करना, सिर्फ ऊपर एक एक मोती लगाना है। देखिए मैंने इधर लगा चुके हैं 3-4 मोती, ऐसे ही दिख रहा है कैसे। सिर्फ दोनों नेट जो है ग्रीन कलर का और रेड कलर का नेट को ऐसे एकदम ऊपर से हल्के हाथ से सिर्फ इस मोती को लगा लेना है। बहुत ही फैंसी ड्रेस है ये। तो ये देखिए हो गया है, ये मोती लगा लिया है मैंने। ऑलमोस्ट ये जितने सारे जॉइंट्स है सब मैंने मोती से, जो अलग अलग पार्ट्स था इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। जितने सारे नेट के टुकड़े थे ड्रेस बनाने के लिए, दोनों कलर का जो नेट लिया था मैंने कट के रखा था, ये सबको मैंने ज्वाइन कर लिया एक एक मोती लगा के, ताकि ये आपस में खुलेगा भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि एक टू पीसेस नहीं है। और इसका ऊपर थोड़ा सा मोती लगाने से इसका भी और भी दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है ये। तो ऐसे लगा लीजिए एक एक करके। आप चाहिए तो इसके ऊपर और भी कुछ स्टोन वगैरह डाल सकते हैं, या तो रोजेस भी मिलता है मार्केट से, वो भी लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ड्रेस को अपने हिसाब से ये डेकोरेट कीजिए। ये देखिए ये ऑलमोस्ट हो गया है, एजेस भी नहीं दिख रहे हैं। नीचे का जो पोर्शन है इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें मैं कुछ नहीं लगाऊंगी। अभी हम चोली बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने सेम कलर की जो नेट मैंने स्क्वायर में काट कर रखा था ये लिया है। इसको मैंने फोल्ड किया, अभी देखिए कैसे दिखाती हूँ। पहले 2 फोल्ड किया है, फिर और एक फोल्ड करके जो एजेस है इसको सिक्योर कर दिया अंदर। इसका हम चोली बना लेंगे। तो मैंने ऐसे फोल्ड किया, इसके ऊपर एक गोटा लगा देंगे, लेस जो था मेजरमेंट के हिसाब से कट कीजिए, फिर इसको भी स्टिच करना है। पहले ये दोनों जैसे हम क्रॉस करके लगाते हैं ये तैयार कर लेंगे दोनों साइड का। फिर ये मैंने इसमें ग्रीन कलर का नेट यूज़ कर रही हूँ, सेम नेट मेरे पास है, तो ये काट के मैंने, और इसका भी मेजरमेंट दोनों का सेम रखिए, अपने ठाकुर जी के हिसाब से नाप लीजिए। ये देखिए मैंने इधर नेट कैसे स्टिच किया है, और एक बनाना पड़ेगा ऐसे ही सेम फोल्ड करूँगी मैं। पहले इसको 2 फोल्ड किया है, फिर जो ये एजेस है इसको भी एक छोटा सा फोल्ड करके अंदर डाल के इसको पूरा फोल्ड किया हुआ है, और इसके ऊपर फिर से गोटा लगा दूंगी एकदम। इसमें स्टिच करेंगे तो ये बहुत सिक्योर हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इसको ये भी सिर्फ रान सिलाई लगा रही हूँ मैं, फटाफट हो जाएगा ये। तो ऊपर का जो चोली है ये भी तैयार हो जाएगा 5 मिनट के अंदर ही। ये ड्रेस बहुत ही कम समय में बनता है, और दोनों कॉन्ट्रास्ट कलर मैंने यूज़ किया है, रेड और ग्रीन। नेट का ड्रेस ऐसे ही बहुत सुंदर भी दिखता है। तो ये देखिए ये भी तैयार हो गया, दोनों मैंने कर दिया है। चोली का जो दोनों भाग है, ऊपर का जो हिस्सा है दोनों, ये अभी जैसे हम जॉइंट करते हैं इसको स्टिच करके फिर से हम जॉइंट कर दूंगी, ताकि ये नहीं निकले। फिर जैसे मैंने मेरा लास्ट वीडियो में भी दिखाई थी ऐसे, अब ग्लू गन के सब मदद से भी इसको चिपका सकते हैं, पर निकलने का थोड़ा सा चांस रहता है। इसको मैं इसलिए क्योंकि ये नेट की ड्रेस है तो इसको सिलाई लगा रही हूँ। आपके पास मशीन है तो मशीन से भी ये फटाफट तैयार कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही सुई धागे से इसको बना रही हूँ गोपाल जी के लिए। ये देखिए इसको पहले दोनों एजेस को कैसे एक के ऊपर एक चिपका दिया, सिलाई लगा दिया, जॉइंट हो गया ये। अभी इसको हम डाल देंगे एकदम अंदर के तरफ, और इसको भी फिर से हम स्टिच कर लेंगे, ताकि ये भी जो एजेस है ये सिक्योर्ड हो जाए। इसको देखिए मैंने डाल दिया एकदम जो नीचे का पोर्शन है इसमें, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको नीचे खींच लिया है, उल्टा करके दिखा रही हूँ ड्रेस को पूरा। ये कोई भी एजेस नहीं दिख रहा है, अच्छे से मैंने लेस लगाया है इसके ऊपर, और ये भी सिलाई लगा दिया। तो ये हो गया चोली का जो है, एक एजेस सिक्योर्ड हो गया, सिलाई लगा दिया। अभी चोली का जो दो पार्ट्स है
उसको भी मैंने जैसे हम ठाकुर जी का ऊपर का पार्ट बनाते ऐसे बना के उसको भी सिलाई लगा देंगे। तो ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल कुजी हेल्थ एंड आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है ये बिल्कुल फ्री है, तो इसको दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जितने सारे वीडियो अपलोड करते जाऊँगी इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। ये देखिए मैंने जो ऊपर का जो पार्ट है दो पार्ट इसको अलग अलग किया थोड़ा सा और फिर से इसको अंदर डाल दिया है। मैं फिर से इसको उल्टा करके सिलाई कर दूंगी ताकि जो स्टिचेस है ये ऊपर की तरफ नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। ये देखिए अभी इसको टाइट पकड़ के सिलाई लगा दूंगी। इसका भी नाप अपने ठाकुर जी के हिसाब से रखिए। ये देखिए पूरा तैयार हो गया है। ये ड्रेस बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही ईजी टू मेक है ये। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और ये देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।